हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज हमारे साथ कपिल जैन सर हैं डिस्कस करने के लिए 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की निटिग्रिटीज को। इस ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो के ऊपर, एंड सेकेंड पार्ट आपको मिलेगा कपिल जैन सर के केजे क्लासेस के ऊपर। तो सेकेंड पार्ट जरूर चेकआउट कीजिए, नीचे आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। चलिए गाइस, डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर हुए थे। उसमें से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था ई कॉमर्स ऑपरेटर्स रिलेटेड। सर, तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं जो ऑनलाइन सेलर्स होते हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पर सेलिंग करते हैं या फिर सेलिंग करना चाहते हैं? तो इसे लेकर विवेक जी, चेंजेस क्या है, इस बात को आपको समझना होगा कि आज के टाइम में ना डिजिटल युग है, तो डिजिटली बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो मैंने एक चीज़ देखी कि हमारे पास में जो परचून वाला है, प्रोविजन स्टोर है, वो भी आजकल ऑनलाइन सामान बेच रहा है। और वो ऑनलाइन सामान ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्मी नगर में है तो नोएडा जाकर बेच रहा है, वो लक्ष्मी नगर वालों को ही ऑनलाइन बेच रहा है। तो अब वो व्यक्ति ये चाहता है कि हालांकि मेरी सेल कम है, लेकिन मैं भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसे क्या बोला कि ऐसा है भाई, चाहे तेरी सेल बेशक कम है, अगर तुम पहले सेक्शन 24 में आते थे तो तुम्हें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, लेकिन अगर तेरी सेल अभी भी 20 लाख तक है, 40 लाख तक है, जो कि सेक्शन 22 में लिखी हुई है, और तुम ई कॉमर्स करना चाहते हो, तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपनी औकात में रहना, मतलब 20 लाख 40 लाख तक रहना, और इंटर स्टेट सेल मत करना। अब यहाँ पर किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जो छोटे मोटे परचून वाले दुकानदार हैं उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी का बिजनेस इंटर स्टेट है, क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचोगे, लेट सपोज आप फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो, आप अमेजन पे बेच रहे हो, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। रीज़न क्या है कि जब फ्लिपकार्ट अमेजन पर बेचते हो तो आपको ऑर्डर कहीं से भी आ सकता है, आपको मुंबई से भी ऑर्डर आ सकता है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, विद इन स्टेट में वर्क कर रहे हो, और आपकी जो लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर की, वो सेक्शन 22 के अंदर आती है, तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर ये मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को बेनिफिट पहुँचाया है, लेकिन सारे लोगों को नहीं। कई बार हम पर क्वेरीज आई, अरे सर अब तो हमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना, हम फ्लिपकार्ट अमेजन से बेच रहे हैं। भाई फ्लिपकार्ट अमेजन से अगर तू बेच रहा है तो तेरी इंटर स्टेट भी तो है, तो तू इस दायरे से बाहर हो जाएगा। दूसरी चीज, अब ये जो छोटे व्यापारी थे वो कहते थे हमें कंपोजिशन स्कीम दे दो, भाई हम कंपोजिशन स्कीम में टैक्स में जाएंगे, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में ये लिखा हुआ था कि अगर आप ऑनलाइन बेचोगे तो कंपोजिशन स्कीम नहीं लोगे। तो यहाँ पर फिर दोबारा से उन्हें रिलैक्सेशन दे दी कि अगर आप छोटे व्यापारी हो और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बेचते हो तो चलो कोई बात नहीं, तुम कंपोजिशन स्कीम ले लेना, लेकिन फिर दोबारा वही कह रहे औकात में रहना, इंटर स्टेट मत चले जाना, कंपोजिशन स्कीम ले लेना लेकिन इंटर स्टेट मत चले जाना। लेकिन जो भी आप कंपोजिशन स्कीम लोगे वो 1 जनवरी 2023 से आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। तो ये दो बड़े चेंजेज हुए हैं, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को लेकर। एक में कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए है और एक नॉर्मल के लिए है। मतलब अगर मैं छोटा सा पॉइंट एड ऑन करना चाहूँ तो यहाँ पर जो आजकल चल रहा है लाइक जैप्टो हो गया, हाँ, या ये जो इसमें क्या होता है स्मॉल किराना स्टोर जो होते बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये वहीं से माल उठाते हैं और मतलब उनका दायरा होता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हाँ, वहीं पे उसको सेल कर देते हैं। तो अगर आप स्विगी पे बेचते हैं, स्विगी पे भी 1 किलोमीटर का ये रेंज होती है, हाँ, स्विगी हो गया और बिग बास्केट हो गया, हाँ, तो ये सारे जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं इनको जो है बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है। बाकी जो बड़े, अगर आप किसी बड़े मार्केट प्लेस पर काम करते हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ दिक्कत सेम वैसे ही रहने वाला है पुराने। जी जी बिल्कुल। चलिए तो सर से अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्सपोर्ट के केस में कुछ चेंजेस आए हैं ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट से रिलेटेड, सो उसको डिस्कस करते हैं सर के साथ, क्या वो चेंजेस आने वाले हैं? देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि होता क्या था कि अगर कोई व्यक्ति पहले एक्सपोर्ट करता था, तो जैसे ही वो व्यक्ति एक्सपोर्ट करता था तो उसे गवर्नमेंट ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट देती थी कि भाई आपने एक्सपोर्ट करा है, हम आपको प्रमोट करने के लिए ये दे देते हैं। तो वो एक्सपोर्टर क्या करता था, उसे कई बार सेल कर देता था। जैसे ही वो उसे सेल करता था वो उसकी एग्जम्प्ट सप्लाई होती थी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि जैसे लेट सपोज मैंने 1 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करा और मेरे को 10 लाख रुपए की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिल गई, ठीक है ना। तो 1 करोड़ की सेल करी, लेट सपोज 20 लाख की मुझे मिल गई, तो मैंने 20 लाख की वो भी सेल कर दी, तो टोटल सेल मेरी कितनी हो गई, 1 करोड़ 20 लाख की हो गई। 1 करोड़ की सेल मेरी टैक्सेबल है और 20 लाख की सेल मेरी एग्जम्प्ट है,
ठीक है ना। अब गवर्नमेंट क्या कहती थी, डिपार्टमेंट क्या कहता था पहले कि इस 1,20,00,000 की सेल करने के लिए अगर आपने 80,00,000 रुपए का इनपुट्स लिया है तो आप ITC रिवर्स करो। मैंने कहा क्यों करूँ ITC रिवर्स, मैंने तो सारा एक्सपोर्ट करा है। वो कहती थी नहीं, तुमने 20,00,000 रुपए की एग्जम्प्ट भी तो सेल करी है। अच्छा। तो इसे जो हमारा रूल हुआ करता था रूल 43, वो कहती थी उसके रेशियो में आप इसे रिवर्स करो क्योंकि आपने एग्जम्प्ट सेल भी करी है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई रूल 43 के लिए आप इसे एग्जम्प्ट सेल नहीं मानोगे। है तो ये एग्जम्प्ट सेल, लेकिन आप इसे एग्जम्प्ट सेल नहीं मानोगे। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है एक्सपोर्टर्स को कि अब उन्हें ITC ज़्यादा मिलेगा, उन्हें रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। ये एक चेंजेज आया है जो लोग एक्सपोर्ट में डील करते हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही है। जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं एयरपोर्ट्स पर, उस पर भी कुछ चेंजेस आया है, तो क्या चेंजेस है सर के साथ डिस्कस करते हैं। विवेक जी आप बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है ना, आसान आसान नहीं पूछ रहे, पूरे उसमें से सारे कठिन वाले क्वेश्चन मैं से ही पूछ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर आप कभी फ़ौरन गए हो तो जब आप फ़ौरन जाएंगे तो क्या होता है, एयरपोर्ट पर एक काउंटर होता है, ठीक है, कि आप यहाँ से कोई भी गुड्स ले सकते हो। लेट सपोज मान लो US से कोई व्यक्ति हमारे इंडिया में आया, तो जब भी वो कोई सामान परचेज करेगा तो गवर्नमेंट कहती है कि चांदनी चौक से मत करियो, अगर तुझे रिलैक्सेशन चाहिए तो जब तुम वापस जाओगे अपने देश तो हमने एयरपोर्ट पर ही काउंटर बना रखे हैं, आप वहाँ से परचेज कर लेना और तुम हमारे मेहमान हो, हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो पहले क्या सिस्टम हुआ करता था कि अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है तो वो अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो शॉप्स है वहाँ से जो वो परचेज करता था उसका सिस्टम कुछ अलग होता था कि हम वहाँ से उससे GST ही नहीं लेते थे, ठीक है, और या जो हमारा इनपुट आया करता था उस शॉप पर जो परचेज करके लाते थे हम उसमें रिलैक्सेशन दे देते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या करा कि सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर आपकी शॉप मान लो दिल्ली में है, एयरपोर्ट पर दिल्ली में है, और कोई US का बंदा आकर आपसे परचेज करके लेके जा रहा है, तो इस वाले केस में आपको करना क्या है, इसे हम एक्सपोर्ट ट्रीट कर देंगे। तो पहले इसके लिए अलग ही सेक्शन था बिल्कुल कि अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है कि भाई अगर आप, ठीक है, एयरपोर्ट से आकर कोई सामान लेते हो, कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है, उसे एक्सपोर्ट ट्रीट कर दो। अब यहाँ पर जो शॉपकीपर होगा वो उसे एक्सपोर्ट मानेगा, एक्सपोर्ट विद पेमेंट भी हो सकता है, विदाउट पेमेंट भी हो सकता है, तो जैसे वो नॉर्मल एक्सपोर्ट करता था पहले उसे इसी तरीके से अब मान लिया जाएगा। तो इससे होने वाला क्या है कि जो हमारे काफ़ी रूल्स थे इसके लिए, सर्कुलर वगैरह थे, उसमें चेंजेस कर दिया जाएगा कि जिससे कि सामने वाले को आसानी रहे, ठीक है। पहले इसके लिए एक अलग प्रोविजन था, अब ये एक्सपोर्ट में मिलकर ही एक जैसा हो जाएगा। चलिए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था पूरे इस प्रोसेस को, एक्सपोर्ट के और रिफंड के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये वाला प्रोसेस यहाँ पर ऐड किया गया है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, अगर आप एक टाइम लिमिट तक GST रिटर्न फाइल नहीं करते तो एक इशू क्या आता था, आपका ऑटोमेटिक जो GST सस्पेंड हो जाता था, और उस सस्पेंशन को फिर क्लियर कराने में काफ़ी सारे पापड़ बेलने पड़ते थे, तो उससे रिलेटेड भी काउंसिल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। डिस्कस करते हैं सर के साथ कि क्या चेंजेस आने वाले हैं उसमें। सर इसमें ना इस चीज़ को समझिएगा कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करते हैं वो दो तरीके से सस्पेंड होता है, एक तो GST ऑफिसर हमारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है, एक क्या है जो रूल 21A है उसमें सब रूल 2A है, वो ये कहता है कि GST ऑफिसर के साथ साथ GSTN पोर्टल भी हमारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है, GSTN पोर्टल भी हमारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है। वो कैसे कर देगा जी, उसमें एक इन्होंने प्रोग्रामिंग करेंगे, उस प्रोग्रामिंग में क्या है कि भाई अगर आपने 3B में टैक्स कम पे किया और GSTR1 में ज़्यादा है तो पोर्टल अपने आप कैंसिल कर देगा, सस्पेंड कर देगा, या अगर आपका GSTR, ठीक में जो आपने GSTR 3B में जो ITC लिया है, ठीक है ना, और जो आपके सप्लायर ने पे करा है उसमें अगर डिफरेंस हुआ तो वो सस्पेंड कर देगा, या उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो उन्होंने नहीं बताई रूल में कि भाई आप मान लो रिटर्न फाइल नहीं करते तो अब ऑफिसर की बात नहीं है, पोर्टल ही सस्पेंड कर देगा। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल सस्पेंड कर देता है, किस केस में, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, उस केस में अगर पोर्टल ने सस्पेंड कर दिया आपका रजिस्ट्रेशन और उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तब आपको GST ऑफिसर के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। तो यहां पर ये जो चेंजेज है
वो सिर्फ उनके लिए है कि अगर पोर्टल ने सस्पेंड कर दिया। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर यह समझ रहा है कि भाई अब जो जीएसटी ऑफिसर हमारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करता था उस केस में भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जब आप ये वाला रूल पढ़ेंगे, रूल 21A2A, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर पोर्टल ने सस्पेंड करा तो पोर्टल ही रिवोक कर देगा। किस केस में? रजिस्ट्रेशन अगर आपका कैंसिल हुआ है रिटर्न नोट फाइलिंग के केस में। तो यहाँ पर पहले हमें यह समझना होगा कि पोर्टल भी अब रजिस्ट्रेशन खुद कैंसिल कर सकता है, जीएसटी ऑफिसर की इंटरवेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि पोर्टल को ये और ज़्यादा एक्सपर्ट और ज़्यादा पावर दे रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर मेरा आपसे है वो है रिफंड से रिलेटेड। उसकी जो टाइम लिमिट्स होती हैं उसमें भी कुछ एक्सटेंशन किया गया है, तो उसको जरा डिस्कस करते हैं कि क्या एक्सटेंशन यहाँ पर दी गई है। पहले ये चीज़ समझ लो, अगर आपको जानकारी है तो गुड़गावा में एक केस हुआ था जी, जिसमें रिफंड दे दिया गया ऐसे जी। तो पिछले कई सालों में ऐसा हुआ है कि भाई रिफंड्स ना ऐसे ही दे दिए, उसे चेक ही नहीं करा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई ये जो रिफंड्स इशू हुए हैं ना, अगर किसी को गलती से हमने, ठीक है ना, रिफंड इशू कर दिया, अब मान लो किसी को 2017-18 में रिफंड इशू कर दिया या 19 में कर दिया, अब अगर हम उससे दोबारा से वापस करते हैं, उसे नोटिस देते हैं सेक्शन 73 में, तो भाई 73 का टाइम लिमिट है कुछ, वो कहता है कि भाई ड्यू डेट के, जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है, 2 साल 9 महीने तक आप हमें नोटिस दे सकते हैं, उसके बाद नहीं। अब गवर्नमेंट को अब पता लग रहा है कि ये तो बोकस रिफंड चले गए हैं, बेकार के रिफंड चले गए हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई नहीं ऐसा नहीं, 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक का पीरियड हम कैलकुलेशन में एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब कि आपको रिफंड के नोटिस आ सकते हैं कि भाई आपने बोकस रिफंड ले लिया था या एक्स्ट्रा रिफंड ले लिया था, तो आप ये नहीं कह सकते कि सेक्शन 73 की टाइम लिमिट चली गई। इसी तरीके से इन्होंने बोला कि अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो उसमें भी हम ये टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों के लिए फायदा है। यहाँ पर 3 केस बनेंगे, मैं आपको बता दूँ। एक केस तो बनेगा कि भाई जो डिपार्टमेंट को नोटिस देना है उसका टाइम पीरियड बढ़ गया, एक जो असेसी को रिफंड क्लेम करना है उसका टाइम पीरियड बढ़ गया, एक तीसरा जो इन्होंने डाला है ये बड़ा खतरनाक है। तीसरा इन्होंने बोला है कि लिमिटेशन अंडर सेक्शन 73 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर डिमांड, रिफंड को छोड़ दे रहे, कह रहे कि अगर हमारे को कोई ऑर्डर इशू करना है इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर डिमांड, मतलब कि आप पे कोई नोटिस आ गया था 73 में और इसका ऑर्डर इशू करना है, तो वो तो 3 साल तक ही इशू करना था आपको ड्यू डेट से, अब वो ड्यू डेट खत्म होने वाली है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, अभी हमारे ऑफिसर तैयार नहीं है ऑर्डर इशू करने को, तो हम इसकी डेट बढ़ा देते हैं 30 सितंबर 2023 तक। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है हमारे सब्सक्राइबर से कि भाई आप ये डेट बढ़ा रहे हो, ये तो असेसी के अगेंस्ट हो रहा है। भाई पहले तो असेसी को बोला था कि 3 साल तक अगर कुछ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब आप अगर इसका टाइम बढ़ा रहे हो तो आप इसे बढ़ाओगे कैसे? या तो आप सेक्शन 73 में चेंज करो, लॉ को चेंज करो सेक्शन 73 में, या हमारे लॉ में एक सेक्शन है सेक्शन 148 जिसमें स्पेशल प्रोसीजर है, तो क्या इस स्पेशल प्रोसीजर से बढ़ाओगे? क्योंकि वहां पर रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स के लिए तो है कि भाई रिलैक्सेशन दे सकते हो, क्या इसका टाइम लिमिट कैसे बढ़ाएंगे ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि इसे कई लोग चैलेंज भी करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है तुमने 3 साल को यहाँ पे 4 साल बढ़ा दिया, तुम तो फिर 6 साल बढ़ा दो, तो तुम तो ऐसे टाइम ही बढ़ाते रहोगे। अब ऐसे ऐसी तो बच रहा है बार बार कि जल्दी से टाइम निकल जाए, तुम टाइम बढ़ा दे रहे हो, तो ये हो सकता है, ये गलत हो मेरे हिसाब से। इसमें देखते हैं कि चेंजेज कैसे आएगा, तो आप अपना व्यू भी दीजिएगा। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं नोटिफिकेशन से ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो टाइम लिमिट है, जो एज पर लो है कि ड्यू डेट से 2 साल 9 महीने या 3 साल, वो तो आप कर सकते हो, वो तो लो में ही लिखा है, उसके लिए प्रेस रिलीज लाने की क्या जरूरत थी, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन की क्या जरूरत थी? तो नोटिफिकेशन की जरूरत किसके लिए है कि अगर आप इसका टाइम बढ़ाते हो तो क्या वो एक्ट को ओवर रूल करेगी, क्या वो सेक्शन 148 में आएगा या कोई वो स्पेशल ऑर्डर से आएगा जो हमारा सेक्शन 171(2) में निकल कर आता है, तो पता नहीं कहां से ये इस चीज को बढ़ाएंगे। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो अगले जो महीनों की मैगजीन होने वाली है ना सर हमारी, उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, सारी नोटिफिकेशंस कवर करेंगे, सारी जो भी सर्कुलर्स आएंगे सारे कवर करेंगे।
तो आप अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर किसी ने मैगजीन नहीं लिया तो। बहुत सारे जो नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, वो अपकमिंग मंथ्स में आने वाले हैं, और गवर्नमेंट को जहाँ पे लगता है कि उनको अपना इंटरेस्ट सेव करना है तो वो लॉ में भी चेंज कर देंगे, नोटिफिकेशंस भी ले आएंगे, रूल्स में चेंज करना है वहाँ भी कर देंगे, बट टैक्स पेयर की बेनिफिट की बात आती है, दो दिन की ड्यू डेट बढ़ाने की बात आती है तो वहाँ पर मना हो जाता है। बिल्कुल, खैर, नेवरदलेस तो आप सर की मैगजीन चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगी सर की मैगजीन में, इसकी जितनी भी निटिग्रिटीज़ हैं, अपडेट्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं वो आपको सर की मैगजीन में मिलेंगे। केजे क्लासेस की मैगजीन आप चेक कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो आज के सेशन में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये कोलैबोरेशन पसंद आया होगा, और जो भी हमने डिस्कशन किया इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई, और नीचे मैंने केजे क्लासेस का भी लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक कर लीजिएगा, उसका जो पार्ट अदर पार्ट है वो आपको उस वाले चैनल पर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।